नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी में। आज हम एनवायरनमेंट का दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पारितंत्र के बारे में समझेंगे और उसके घटकों के बारे में समझेंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक और जो भौतिक घटक होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ये लेक्चर आपके UPPCS प्री एग्ज़ाम, MPPCS प्री एग्ज़ाम और UPTET और विभिन्न प्रकार के स्टेट एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है? सबसे पहले अगर पारितंत्र की बात की जाए तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था एजी टांसले ने, एजी हिंदी में भी एजी टांसले, ठीक है, 1935 में। और ये एक ब्रिटिश पादप वैज्ञानिक थे, इनके बारे में ज़्यादा हमें डिटेल नहीं जाननी, केवल ये समझना है कि पारितंत्र शब्द जो सबसे पहले दिया था एजी टांसले ने 1935 में। और पारितंत्र होता क्या है? पारितंत्र एक समन्वित समन्वित प्रणाली होती, इंटीग्रेटेड होल इंटीग्रेटेड प्रोसेस होती है, जिसमें जैविक अजैविक और फिजिकल, यानी जैविक अजैविक और भौतिक घटक शामिल होते हैं। इन तीन घटकों से मिलकर बनता है हमारा पारितंत्र। पारितंत्र में क्या होता है कि जब जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली क्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं, पारितंत्र को जीव मंडल की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है, ठीक है। पारितंत्र को हमने बताया कि जैव समुदाय, अजैविक समुदाय और भौतिक पर्यावरण से मिलकर बना संपूर्ण इको संपूर्ण वातावरण जो है वो पारितंत्र कहलाता है, जिसमें आगे हम देख लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि पारितंत्र जो है यानी इकोसिस्टम जो है जैव मंडल की बेसिक या संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है, इंडिविजुअल को हम कहते हैं व्यस्ति। व्यस्ति का मतलब होता है एकल, मतलब एक कोई एक स्पीसीज का एक व्यक्ति, इंडिविजुअल। पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कई विभिन्न प्रकार के, कई सेम प्रजाति के कई लोग या कई प्राणी, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जब कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन मिलती हैं, एक मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं, जब विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशन मिलती हैं तो कम्युनिटी बनती है, जब विभिन्न प्रकार की कम्युनिटी यानी समुदाय मिलते हैं तब इकोसिस्टम बनता है हमारा, पर्यावरण बनता है। विभिन्न प्रकार की कम्युनिटी कैसे, जैसे जैविक अजैविक मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। जब विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं तो बायोम बनता है, और जब विभिन्न प्रकार के बायोम मिलते हैं तो बायोस्फीयर यानी जैव मंडल बनता है। यहाँ देखो हम समझ सकते हैं, जैसे यह एक पॉपुलेशन है सिंगल, फिर इसके ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यानी व्यस्ति का ग्रुप, एकल व्यक्ति या एकल प्राणी के ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या। जब विभिन्न प्रकार की जनसंख्या मिलती है तो समुदाय बनता है, जब विभिन्न प्रकार के समुदाय मिलते हैं तो पारितंत्र बनता है, जब विभिन्न प्रकार के पारितंत्र मिलते हैं तो बायोम बनता है यानी, और जब विभिन्न प्रकार के बायोम मिलते हैं तो क्या बनता है, जैव मंडल। इसीलिए हमने इकोसिस्टम जो है इसकी जैव मंडल की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए सबसे बेसिक यूनिट बायोस्फीयर की क्या है, तो बेसिक यूनिट है हमारी इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन फंक्शनल और कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई की अगर पूछी जाए तो इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम पारितंत्र के प्रकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पारितंत्र के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थलीय में पारितंत्र जैसे वन है हमारा, ठीक है, वन है, खेत हैं, ये स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। और जलीय पारितंत्र दो प्रकार का होता है, फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ और लवणीय। फ्रेश वाटर में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, तालाब है, झील है, झरने हैं, नदी है, ठीक है। और लवणीय में कौन कौन से आ जाते हैं, लवणीय में हमारे आ जाते हैं सागर या समुद्र, ठीक है, कोरल लीफ, सागर या समुद्र, ठीक है, कोरल लीफ, ये लवणीय हैं। और ऐश्वरी यानी ज्वार, नद, मुख, ये हमारे लवणीय पारितंत्र के उदाहरण हैं, ठीक है। अब हम पारितंत्र के घटकों के बारे में समझते हैं। पारितंत्र के घटक तीन होते हैं, जैविक, अजैविक और बायोटिक, ठीक है, जैविक घटक, अजैविक घटक, बायोटिक, भौतिक घटक।
यहाँ हम देखो जैविक घटक के बारे में बता रहे हैं। जैविक घटक में क्या है, जैविक घटक में उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। उत्पादक हमारे जो उत्पादक हमारे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, उनको हम उत्पादक कहते हैं। जैसे हमारे प्लांट, प्लांट हमारे उत्पादक हैं यानी प्राथमिक उत्पादक जो हैं पेड़ पौधे कहलाते हैं। यह स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद हमारे उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी उपभोक्ता कौन होते हैं, जो इन प्रोड्यूसर यानी उत्पादकों को खाते हैं या इनके द्वारा एनर्जी ग्रहण करते हैं, तो उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर वो प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। और इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाले प्राणियों को हम सेकेंडरी या द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं और इन सेकेंडरी को खाने वाले को हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं अपघटक। अपघटक में क्या होता है, अपघटक में हमारे आ जाते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंगस और चींटी, ठीक है, जो हमारे अपघटक की श्रेणी में आ जाते हैं। अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं, अजैविक घटक में हमारे दो प्रकार के घटक होते हैं, कार्बनिक, वो सॉरी अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक में क्या है, जल, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बनिक में यूरिया, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। अजैविक घटक में कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं, कार्बनिक में हमारा यूरिया, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। अकार्बनिक में जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ आप देख सकते हैं ये वायु, और इसके बाद हमारे भौतिक घटक। भौतिक घटक में क्या आता है, क्लाइमेट यानी जलवायु, प्रकाश, ताप, वर्षा, वायु, ये पारितंत्र के भौतिक घटक हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा पारितंत्र का भौतिक घटक है, तो आपको ये पांच हैं ये याद रखना है, जलवायु है, प्रकाश है, ताप है, वर्षा है और वायु है, ठीक है, और मृदा है, मिनरल्स हैं, खनिज, ये भी बायोटिक यानी भौतिक घटक हैं पारितंत्र के। भौतिक घटकों को जैविक घटकों के तहत ना रखकर अजैविक घटकों का ही भाग माना जाता है क्योंकि इनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नीके क्या है, नीके जो है, नीके को डिस्कस करने से पहले हमें स्पीसीज के बारे में पता होना चाहिए यानी प्रजाति। देखो प्रजाति डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यानी एक ही जनसंख्या के लोगों के ग्रुप को प्रजाति कहते हैं। नीके को समझने के लिए क्या है, नीके एक पारितंत्र की विशिष्ट कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसमें क्या होता है कि प्रकृति, अभी हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में पर्यावास के बारे में, प्रकृति में अनेक प्रजातियां एक पर्यावास में रह सकती हैं, जैसे फॉरेस्ट मान लो, जंगल जो है विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का पर्यावास है क्योंकि जंगल में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां रहती हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, ठीक है। लेकिन उनके देखो प्रत्येक का अपना अपना कार्य होता है, शेर का अलग कार्य होता है, हाथी का अलग होता है, भालू का अलग कार्य होता है, प्रत्येक के कार्य अलग होते हैं, ठीक है। इस कारण उनका देखो कह सकते हैं कि अनेक प्रजातियों का पर्यावास तो एक हो सकता है यानी जैसे जंगल में विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां रहती हैं, ठीक, लेकिन उनका कार्य अलग अलग होता है, प्रत्येक प्रजाति का कार्य अलग अलग होता है। तो आसान से आसान शब्दों में हम नीके को अगर डिफाइन करें यानी नीके जो है या नीसे जो है एक ऐसा व्यवसाय है, कह सकते हैं हम कि प्रजातियों का यह ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन जिसके द्वारा वह प्रजाति अपने जीवन को चलाने के लिए, उत्तरजीविता को चलाने के लिए संघर्ष करती है या क्रियाकलापों से जिससे वह अपना जीवन चला सकती है, इसको हम नीके कहते हैं। आसान शब्दों में डिस्कस करें तो पर्यावास जहाँ किसी प्रजाति का रहने का स्थान होता है या पता होता है, वहीं नीके जो है किसी प्रजाति का व्यवसाय होता है यानी उसका
पेशा होता है, ठीक है, जिसके द्वारा वह अपना जीवन चला सकता है। ठीक, अगला अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? जब किसी जीव की बनावट या व्यवहार उसका इस प्रकार से हो कि वह विशेष पर्यावरण में जीवित रह सके। कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने वाले जो भी जीव है और जो प्रक्रिया है उसको अनुकूलन कहते हैं। जैसे मछलियों में क्लोम, जो जल में रहने के लिए, पक्षियों में पर और पंख होते हैं उड़ने के लिए पंख, और शुष्क क्षेत्रों में ऐसे पेड़ जो जिनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा नागफनी जो है शुष्क क्षेत्रों में होती है तो उसमें पत्तियां नहीं होती, क्यों? क्योंकि वह उसने अपने आप को शुष्क पर्यावरण के अनुकूल बना लिया है। ठीक, इसको हम यहाँ देखो लिखी परिभाषा देख सकते हैं। किसी जीव की बनावट या व्यवहार या फिर जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह विशेष पर्यावरण में रह सकता है अनुकूलन कहलाता है। ठीक, ये आपको मछली का दिख रहा है क्लोम जो उसके। अगला प्रजाति। प्रजाति क्या है? प्रजाति हमने बताया था जीवों का ऐसा समूह जो अंतः प्रजनन कर सकता है, जैसे ए और बी जो आपस में प्रजनन करते हैं कर सकते हैं उनको प्रजाति कहते हैं। जैसे उदाहरण चीता, कमल, गाय, ये अपनी अपनी चीता मेल और फीमेल प्रजनन कर सकते हैं, गाय भी मेल फीमेल प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, कमल यानी सेम जो जीवों का समूह अंतः प्रजनन की क्षमता रखता हो उसको प्रजाति कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हिरन और जी टाइगर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम क्या है। पारिस्थितिक अनुक्रम जो है, पारिस्थितिकी अनुक्रम में जैविक समुदाय गतिमान होता है, ये हम डिस्कस करते हैं कि जैविक समुदाय गतिमान होता है यानी डायनेमिक होता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम जो है हमारा, इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये इसमें प्रजातियां एक प्रजाति दूसरे प्रजाति का स्थान ले लेती है। जैसे वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई वनस्पति और जंतु समुदाय के दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है या उनका स्थान ले लेता है समय के साथ, तो उसको हम पारिस्थितिक अनुक्रम कहते हैं या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। जैसे यहाँ हम मान लेते हैं कि यह जगह एक है ए, इसमें कोई प्रजाति है ए, ठीक, और कुछ समय के बाद एक दूसरी प्रजाति बी, दो प्रजातियाँ इसमें रहती हैं और धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता है या कुछ पर्यावरण घटनाएं होती हैं जिसके कारण ए डिक्रीज करती है और बी बढ़ती जाती है, तो ए का स्थान जो है वो बी ले लेती है, तो इसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम। पारिस्थितिकी अनुक्रम में क्या होता है, इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक शामिल होते हैं। ठीक है, और ये तीन प्रकार का होता है। ठीक, तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला प्राथमिक अनुक्रम, द्वितीय अनुक्रम और तृतीय अनुक्रम यानी मौसमी अनुक्रम। प्राथमिक अनुक्रम में क्या होता है, प्राथमिक अनुक्रम जब आरंभ होता है जब वहाँ पहले, जैसे यह आपको दिख रहे हैं पत्थर, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इस पर जब लाइकेन या घास उग आती है तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रम। कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक अनुक्रम वहाँ घटित होता है जहाँ समुदाय के जीवन को कोई सहारा ही ना हो, मतलब नंगे पत्थरों पर क्या सहारा है पेड़ पौधों और घास का, लेकिन फिर भी वहाँ लाइकेन और घास जमाए तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रम। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक अनुक्रम में क्या होता है, द्वितीयक अनुक्रम वह अनुक्रम है जब, जैसे हम समझ लेते हैं, एक मिनट इसको मिटा देते हैं फिर समझाते हैं। इसमें क्या है, द्वितीयक अनुक्रम जब होता है जैसे पहले से वहाँ कोई समुदाय मौजूद है, यहाँ मान लेते हैं हम कोई समुदाय ए मौजूद है और यहाँ प्राकृतिक आपदा तूफान या जंगल में जैसे आग लग जाए या कुछ भी हो जाए या मानव जनित आपदाओं के कारण ए समुदाय नष्ट हो जाए, उसके कुछ समय के बाद वहाँ उसी स्थान पर बी समुदाय पुनः उत्पत्ति हो तो इसको हम द्वितीयक अनुक्रम कहते हैं। ठीक, और मौसमी अनुक्रम क्या होता है, जब अनुक्रम विनाशकारी परिघटनाओं के बजाय पर्यावरण में चक्रीय परिवर्तन या समुदाय में प्रजातियों की पारस्परिक क्रिया के तहत हो तो उसको हम मौसमी अनुक्रम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब यह क्रिया मौसम के परिवर्तन के कारण होती है तो उसको हम मौसमी अनुक्रम कहते हैं। जैसे अधिक सर्दी पड़ जाए और पेड़ पौधे सूख जाएँ, उसके बाद जब नए पेड़ पौधे जमें तो उसको हम मौसमी अनुक्रम कहते हैं।
ये हमने डिस्कस किया। अब एक चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, हम इसको मिटा देते हैं और हाँ यहाँ पर हम आके देखो, ये है हमारा उत्पादक और उपभोक्ता पिरामिड जो है। देखो उत्पादक क्या होता है, उत्पादक स्वपोषी होते हैं, ठीक है, और उत्पादक प्राइमरी कंज्यूमर, इनको प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और ये परपोषी होते हैं क्योंकि ये उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं और तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो तृतीय उपभोक्ताओं का है, जिनको हम उच्च मांसाहारी भी कहते हैं, ठीक। अपघटक में हम बता चुके हैं कि अपघटक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस और चींटी भी अपघटक में आती हैं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।